स्टूडेंट्स वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित, माई सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा। एक बार फिर आपकी ही जानकारी के लिए इस चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड बहुत से वीडियोस ऑलरेडी हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मोटिवेशनल वीडियोस ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, आप उनको देख सकते हो और आते भी रहेंगे। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज ट्रायल बैलेंस। हम बात करेंगे डिटेल में ट्रायल बैलेंस क्या है। पंजाबी और हिंदी में इसको जनरली तलपट वर्ड की तरह बोलते हैं, तलपट थोड़ा अजीब लगता है, तो हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कुछ बहुत से कॉन्टेंट। लेट्स मूव अहेड विद मी टू मेक दिस कॉन्टेंट वेरी इजी एंड वेरी इफेक्टिव। यस स्टूडेंट्स, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आप सबने देखा होगा कि सबसे पहले जब बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, आप सबने जर्नल एंट्रीज की, उसके बाद जर्नल में एंट्रीज के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग होती है टू मेक एनी एंट्री और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड, ताकि हर ट्रांजेक्शन का एक अपना अकाउंट की डिटेल मिल सके। उस सारे अकाउंट की डिटेल को अगर एक ही जगह पर पाया जा सके, वैसा लेजर में पॉसिबल नहीं है। लेजर में एक अकाउंट में एक ही अकाउंट की डिटेल देखने को मिलती है, तो सारे अकाउंट की एक डिटेल्ड समरी मिलती है, जहां पर उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस क्या है, अगर हम इनको वर्ल्ड वाइड देखने की कोशिश करें, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट और वी कैन से लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स विद देयर डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज। दीज आर सच बैलेंसेज विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट। हर अकाउंट का जो लेजर अकाउंट है ना, कैश, बैंक, जितने भी डिफरेंट टाइप के अकाउंट किसी बिजनेस में बिजनेस ट्रांजेक्शन के कारण बनते हैं, वहाँ जो बैलेंस निकलते हैं वहाँ से डेबिट या क्रेडिट है, उन बैलेंस को पिक किया जाएगा, फिर उसकी एक लिस्ट तैयार की जाती है, स्टेटमेंट तैयार की जाती है, उसी को तो हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस क्यों ज़रूरत है भी इसकी, हम एक बात जानते हैं कि सभी लेजर अकाउंट का एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में बैलेंस निकाला जाता है, उन सभी बैलेंसेस को एक समराइज रूप में, एक स्टेटमेंट के रूप में ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। ट्रायल बैलेंस इज अ वेरी गुड प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। बिजनेस का जितना रिकॉर्ड है उसकी अगर अर्थमेटिकल शुद्धता की बात करें, उसको चेक करने के पॉइंट की बात करें, जो पहला चेक पॉइंट है वो है ट्रायल बैलेंस। यस, ट्रायल बैलेंस में हम उसकी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है उसको जांच कर सकते हैं कि हमने डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो जितना अमाउंट डेबिट उतना क्रेडिट किया है या नहीं, क्योंकि उसमें हम डबल एंट्री सिस्टम में हमें पता है जितना अमाउंट डेबिट होता है उतना क्रेडिट, तो नेचुरली जितने डेबिट बैलेंस का टोटल आएगा उतना ही टोटल क्रेडिट बैलेंस का आना चाहिए। अगर ऐसा आता है, ट्रायल बैलेंस से हमें पता चलता है, दिस मीन्स आर अकाउंट्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट, समझ लगा, तो अर्थमेटिकली हमारे अकाउंट एक्यूरेट होंगे, वरना तो कुछ गड़बड़ है। तो ट्रायल बैलेंस के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में हम यही कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं है भाई, ध्यान रखना, स्टेटमेंट है, एक समराइज स्टेटमेंट है, एक समरी तैयार होती है सभी लेजर अकाउंट को, एक ही जगह पर उनके बैलेंसेज को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस को बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, व्हाई वी नीड ट्रायल बैलेंस, ये हमें देखना होगा। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बिजनेस रिकॉर्ड और लेजर अकाउंट्स, बिजनेस की जितनी ट्रांजेक्शन हुई उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेकिंग करने का एक चेक पॉइंट है ये ट्रायल बैलेंस, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस में सभी बैलेंसेज जितने डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है कैसे होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर वो मिल जाते हैं दिस मीन्स हमारे अकाउंट एक्यूरेट हैं, इसलिए उसको जांचने के लिए, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जांचने के लिए ट्रायल बैलेंस की जरूरत पड़ी। सेकंड, टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। एक बात मैं आपको और बता दूं क्यों जरूरत पड़ी, इसके साथ कई बार एग्जाम बेस पे नीड की जगह ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस आ सकता है, एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस आ सकता है, तीनों का मतलब सेम है। जो हमारी नीड है वो इसलिए है क्योंकि वो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, अगर ऑब्जेक्टिव हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हमें एडवांटेज मिल जाएंगे, तो तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम एक ही साथ समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा, टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। आपको बता दूं, हर बिजनेस चाहता है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस पीरियड के बाद में, फाइनेंशियल पीरियड के अंत में, उसको बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन का पता चल सके, जिससे वो, जिसको जानने के लिए वो फाइनल अकाउंट तैयार करता है, और फाइनल अकाउंट का जो बेस है वो ट्रायल बैलेंस है।
सो ट्रायल बैलेंस की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प मिलती है। थर्ड वन इज टू हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स। यस, आपको बताया कि अगर अर्थमेटिकल एक्यूरेट नहीं बन रहे हमारे बैलेंसेस, उसमें कई मिस्टेक है, तो हम गलतियों को ढूंढ सकते हैं। भाई बहुत सी गलतियां हैं जिनको ढूंढा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। थर्ड वन इज टू हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ एरर इन अकाउंट्स। अगर ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंसेज है जहां पर हम सारे लेजर अकाउंट्स की समरी तैयार करेंगे बैलेंसेज की, अगर वो दोनों साइड के बैलेंसेज का टोटल नहीं मिलेगा आपस में ट्रायल बैलेंस में, तो हमें पता चल जाएगा कि हमसे किसी ना किसी एक या एक से अधिक अकाउंट में कहीं गलती हुई है, तो हम गलती को ढूंढ पाएंगे। फोर्थ वन इज टू प्रेजेंट अ समरी ऑफ लेजर। यस, ये मैं बता भी चुका हूं इनडायरेक्टली, तो ये भी जरूरत है। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसके बिजनेस का एक समराइज रूप उसके सामने हो, समरी के रूप में, संक्षिप्त रूप में उसके सामने हो सारे टाइप के लेजर अकाउंट की जानकारी। तो वो कहां से मिलेगी? ट्रायल बैलेंस से। सो टू गेट अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स बैलेंसेस, एनी बिजनेसमैन, ईच एंड एवरी बिजनेसमैन रादर, नीड्स ट्रायल बैलेंस। तो ये कारण थे जिस कारण हमें ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती है जब हम अकाउंट्स की बुक्स तैयार करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो मैं बात करने जा रहा हूं अब, वो है मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं भाई? यस, देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। वेरी सिंपल मेथड, सिर्फ एक टेक्निक है, उसको समझो, बहुत आसान है। अगर आपको जनरल और लेजर आती है, लेजर की बैलेंसिंग आ गई, तो ट्रायल बैलेंस तो बहुत जल्द आने वाला है। जस्ट सी दीज मेथड, दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस: टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड। ये क्या है, हम एक एक की बात करते हैं सब। यस स्टूडेंट, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर हम मेथड्स की बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं, तो तीन मेथड हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज टोटल मेथड। सबसे पहले इसका परफॉर्मा देखो, फॉर्मेट क्या है। ऊपर लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस ऑफ फर्म का नाम आ जाएगा, एज ऑन डेट आ जाएगी, इस डेट को हम बना रहे हैं। उसके बाद नीचे मैंने मेथड लिखा, दैट इज टोटल मेथड। सीरियल नंबर, ये होता है बुक्स में, पॉसिबल है, सुविधा के लिए हो सकता है, नहीं भी होगा। नेम ऑफ अकाउंट, लेजर अकाउंट का नाम आएगा। लेजर फोलियो, क्योंकि लेजर अकाउंट के बैलेंसेज लेजर्स में से लिए जाएंगे, तो लेजर का पेज नंबर यहां पर आएगा। टोटल डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल, जो भी लेजर अकाउंट हम देखेंगे उसके डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, मैं बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, जो टोटल है बिना बैलेंस डाले जो टोटल है वो यहां पर लिखे जाएंगे। मान लो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट कोई भी बना हुआ होगा, उसके डेबिट साइड में मान लो 30,000 है, क्रेडिट साइड में 20,000 है, तो हम टोटल में लिखेंगे क्या, पर्टिकुलर्स में यहां पर क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट 30,000 डेबिट टोटल में लिख देंगे, 20,000 क्रेडिट टोटल में। ऐसे ही सभी अकाउंट्स के डिटेल का जो टोटल है वो सारे अकाउंट की हम एक समरी तैयार कर लेंगे, लास्ट में इनका टोटल करेंगे, टोटल बराबर आना चाहिए। दैट इज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ये प्रूव करेगी कि हमारे अकाउंट अर्थमेटिकली सही है या नहीं अंडर टोटल मेथड। क्लियर? नाउ द सेकंड मेथड, सेकंड मेथड इज बैलेंसेज मेथड। बैलेंसेज मेथड में अगर फॉर्मेट को देखें, पहले ऊपर का ढंग वही है लिखने का, बैलेंस मेथड में सीरियल नंबर, नेक्स्ट नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो आप जानते हो, अब डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल की जगह डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस आएंगे। अब क्या करना है भाई, लेजर के अब हम टोटल पिक नहीं करेंगे, लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, मैं जानता हूं आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो मेरे चैनल पर जर्नल एंट्रीज, उनकी लेजर पोस्टिंग और बैलेंसिंग की बहुत सी वीडियोस हैं, आप उनको पहले देखिए, वो बहुत जरूरी हैं। लेजर, किसी भी लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे, एक बिजनेस के जितने भी लेजर अकाउंट बने हैं सबके बैलेंसिंग की। उसके बाद जिस अकाउंट का भी बैलेंस है उस अकाउंट का नाम लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट में, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस में लिख देंगे, अगर उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस वाले जो अमाउंट का कॉलम है वहां उसकी अमाउंट लिख देंगे। वन थिंग शुड बी क्लियर, बैलेंस या तो डेबिट होगा या क्रेडिट, दोनों नहीं हो सकते किसी अकाउंट के, एक ही बैलेंस होगा ना भी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वन, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मेथड्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज
ट्रायल बैलेंस विद टोटल कम बैलेंस मेथड, नाम ही बता रहा है, टोटल और बैलेंस का कंबाइंड रूप है इसमें। इसमें बाकी कॉलम सेम है, पीछे जो अमाउंट के अब चार कॉलम बन गए हैं। कौन कौन से? पहले तो सीरियल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। समझ गए होगे आप? कोई भी अकाउंट का नाम लिखेंगे, फिर उस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड के दोनों का टोटल लिखेंगे बिना बैलेंस निकाले जो टोटल है। उसके बाद उसका बैलेंस निकाला जाएगा, जो बैलेंस निकाल के जितना बैलेंस आता है डेबिट या क्रेडिट, उसको डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में उसकी अमाउंट लिख देंगे। तो जो टोटल कम बैलेंस मेथड है, इसमें हमें टोटल भी लिखने होंगे अकाउंट के, जो बिना बैलेंस निकाले टोटल आएगा लेजर अकाउंट का किसी का भी, और फिर उसी अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो डेबिट है या क्रेडिट, वो बैलेंस भी बैलेंस वाले कॉलम में से किसी एक में लिखना होगा। क्लियर? सो दीज आर द थ्री मेथड्स। इनके डिटेल के बारे में, न्यूमेरिकली हम इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस भी हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पे है, उस पर सारी डिटेल होगी, ये ध्यान रखना। और अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यस स्टूडेंट्स, मैंने बार बार आपको बताया इट्स अ प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट की बात कर रहा हूं, मैंने और शुद्धता की बात नहीं की है। इसका मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या हम ये मान लें कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस के टोटल किसी भी मेथड से, चाहे टोटल मेथड हो या बैलेंस मेथड हो, नीचे मिल गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट सही हैं? क्या ट्रायल बैलेंस से हमें गलतियों का पता चल सकता है अगर फिर भी कोई गलती हो, या उसके बाद कोई गलती ही नहीं है? तो स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात बताता हूँ, ट्रायल बैलेंस में दो तरह की पोजीशन देखने को मिलती हैं। ट्रायल बैलेंस मिला नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई गलती है। तो कुछ गलतियां यहाँ पर हमको ऐसी देखने में मिलती हैं जो रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स होता है, जिनको ट्रायल बैलेंस दिखा पाता है, हमें पता चल जाता है कि ट्रायल बैलेंस मिला नहीं, तो कोई ना कोई गलती अब उसको ढूंढो। सच एरर्स नॉन एज एरर्स रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, इन गलतियों को ट्रायल बैलेंस एक्सपोज कर पाता है, रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं डियर स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस मिल गया फिर भी गलतियां रह गई, हमें पता भी नहीं चला, उन गलतियों को हम क्लासिफाइड करेंगे एरर्स नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। जिन गलतियों को ट्रायल बैलेंस मिल गया है भाई, दिखाई नहीं पा रहा, हमें पता ही नहीं चला, तो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले एरर्स रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, वो कौन सी गलतियां हैं अगर हमसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हो जाए, जिनको ट्रायल बैलेंस से हम एक्सपोज कर पाएंगे, देख पाएंगे, पता चल सकेगा कि कोई ना कोई गलती है क्योंकि ट्रायल बैलेंस मिला नहीं। सबसे पहले है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग वन साइड ऑफ एंट्री, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग वन साइड ऑफ एन एंट्री। मतलब क्या है इसका? हम सबको पता है सबसे पहले जब कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उसकी जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री में दो या दो से ज्यादा अकाउंट इफेक्टेड है। जब उनकी पोस्टिंग कर रहे हैं तो एक साइड की अकाउंट की पोस्टिंग कर दी, एक ही की हुई नहीं, भूल ही गए, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। किसी जर्नल एंट्री की एक साइड की डेबिट या क्रेडिट साइड के अकाउंट की पोस्टिंग हमने लेजर में की ही नहीं, तो सोचो ट्रायल बैलेंस मिलेगा कैसे? तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा और हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई गलती है हमारे रिकॉर्ड में। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर्स विच आर रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस आर रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स और एनी अकाउंट्स। अगर हम किसी अकाउंट की या सब्सिडरी बुक्स की टोटल ही गलत कर दें, सारे अकाउंट हमने सही डाले हुए हैं पर उनकी टोटलिंग गलत कर दी, स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ सब्सिडरी बुक्स की टोटलिंग गलत होगी, तो क्या होगा? हमारे अकाउंट सही हैं, उस सब्सिडरी बुक से रिलेटेड जो परचेज अकाउंट है, सेल अकाउंट है, उनका अमाउंट गलत हो जाएगा, तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। थर्ड वन इज द पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री डाली पर हमने जब पोस्टिंग करनी थी, मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, कैश आ रहा है, कैश की डेबिट साइड पर पोस्टिंग होनी चाहिए थी, हमने क्रेडिट साइड कर दी, प्रॉब्लम होगी। तो जब पोस्टिंग कर रहे हैं लेजर में, तब अगर हमने रॉन्ग साइड पोस्टिंग की तो हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा और हमें पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं गलती है हमारे अकाउंट्स में। नेक्स्ट वन इज द पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट इन वन अकाउंट। जर्नल एंट्री थी, जितना अमाउंट डेबिट उतना क्रेडिट, पर जब हम पोस्टिंग कर रहे थे
एक अकाउंट में तो ठीक अमाउंट डाला पोस्टिंग करते हुए, पर दूसरे अकाउंट में गलत अमाउंट डाल दिया। मान लो मशीनरी परचेज की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी में तो हमने 50,000 डाल दिया, कैश में 5,000 की पोस्टिंग की, तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा जब अकाउंट्स के बैलेंस निकालेंगे। नेक्स्ट वन इज द एरर ऑफ टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। जब हम अकाउंट्स के बैलेंस करते हैं, टोटल करते हैं, अगर वहां पर गलती हो गई तो भी ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता, क्योंकि वो मैनुअल मिस्टेक है। अकाउंट में हमने पोस्टिंग सब कुछ सही किया पर टोटलिंग ही गलत कर दी, तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट है डबल पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट। एक जर्नल एंट्री हमने की, पोस्टिंग कर दी, हम भूल गए थोड़ी देर बाद, दोबारा फिर पोस्टिंग कर दी, सेम ही एंट्री की अगर डबल पोस्टिंग होगी तो एक अकाउंट डबल टाइम इफेक्टेड हो जाएगा, वो भी पोस्टिंग एक अकाउंट में अगर करते हैं। अगर दोनों में कर दी, फिर नहीं मैं बात कर रहा हूं, एक जर्नल एंट्री की पोस्टिंग एक सिंगल अकाउंट में अगर हम डबल टाइम कर देंगे तो फिर हमारे बैलेंसेस जो आएंगे उससे बनने वाला ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। दीज आर द एरर्स रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। हमें पता चल जाता है कि हमारे ट्रायल बैलेंस, क्योंकि उसके बैलेंसेस का टोटल नहीं मिल रहा, तो हमारे अकाउंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसको ढूंढो फिर। नाउ द सेकंड पार्ट, एरर्स नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आते हैं इन पे। एरर्स नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस वो कौन कौन सी हैं? ट्रायल बैलेंस मिल गया फिर भी अकाउंट में गलतियां रहेगी, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? जिनमें से सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार पांच जो मैं बताऊंगा, एरर ऑफ ओमिशन, भूल की गलती। कोई ट्रांजेक्शन हुई बिजनेस में अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, जब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो ना डेबिट हुआ ना कुछ क्रेडिट, हमें तो लगेगा ट्रायल बैलेंस मिल गया पर गलती तो हो चुकी है, ट्रांजेक्शन तो थी ना बिजनेस की। इस टाइप की एरर कहते हैं हम एरर ऑफ ओमिशन, भूल की गलती, भूल हो गई है भाई, अब पछताओगे क्या, तो ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलेगा। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन मींस इफ अ रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन एनी जर्नल और लेसर और इन सबस्ट्री बुक्स। कोई ट्रांजेक्शंस थी, मान लो 500 रुपीज की थी, गलती से हमने हर जगह पे 5,000 की डाल दी, डेबिट भी और क्रेडिट भी, ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड बट अमाउंट गलत डाल दिया, इस टाइप की एरर को हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। तो उससे क्या होगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट अमाउंट दोनों गलत हैं पर हैं तो बराबर, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस मिलने का मतलब हमें लगेगा कि हमारी गलती नहीं पर गलती तो है, इस तरह की गलतियों को भी ट्रायल बैलेंस दिखा नहीं पाता। नेक्स्ट वन है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतिक गलती, हम बार बार सीखते हैं, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल नॉमिनल अकाउंट। मशीनरी परचेज की एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके डाल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर, क्या कर दिया हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज को डेबिट कर दिया, अभी करना तो मशीनरी को था। पर एक बात बताऊं, बाद में बैलेंसेस तो सेम आएंगे, बैलेंस टोटल सेम आएगा, क्योंकि डेबिट तो हमने उतनी अमाउंट किया जितना करना चाहिए था। गलती क्या की सिद्धांतिक, कोई अकाउंट गलत डेबिट कर दिया किसी और अकाउंट की जगह पर, इस तरह की गलती को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं, सिद्धांतिक गलतियां कहते हैं। ये गलतियां भी ट्रायल बैलेंस एक्सपोज नहीं कर पाता, इन गलतियों को भी हम एरर्स नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर, हर्जाना पूर्ति, नुकसान को पूरा करने वाली गलतियां, ये कौन सी हुई? बिजनेस में क्या होता है, कई बार जो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति है उसने एक बार गलती की, 5,000 रुपीज ज्यादा डेबिट कर दिए गलती से, फिर क्या हुआ कुछ दिनों बाद 5,000 कम डेबिट कर दिए गलती से, वो भी गलती से एक बार 5,000 ज्यादा डेबिट किए, किसी ट्रांजेक्शन में गलती तो है ना, एक बार किसी और ट्रांजेक्शन में 5,000 कम डेबिट किए सेम ही अकाउंट में या किसी और अकाउंट में, तो क्या होगा, हमारे ट्रायल बैलेंस बनाते हमारे बैलेंसेस तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि उसका इंपैक्ट हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, जीरो कर दिया। कंपनसेटिंग एरर या हर्जाना पूर्ति गलतियां क्या होती हैं, इसको समझो, अगर एक गलती हो जाए उस गलती का इफेक्ट कोई दूसरी गलती बाद में खत्म कर दे, उस टाइप की गलती को हम कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। ऐसी एरर्स भी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मिल जाता है, ट्रायल बैलेंस से रिवील नहीं हो पाती। लास्ट वन इज द एरर ऑफ डुप्लीकेशन, दोहरेपन की गलतियां, एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, थोड़ी देर बाद
कुछ दिनों बाद उसी दिन किसी दूसरे व्यक्ति ने या उसी व्यक्ति ने दोबारा वही ट्रांजेक्शन फिर रिकॉर्ड कर दी, डुप्लीकेट एंट्रीज होगी। गलतियां तो है ना भी अकाउंटिंग के हिसाब से, डबल डबल पैसे लेने बन जाएंगे या देने पड़ जाएंगे अगर डुप्लीकेशन एरर्स होगी, पर गलतियां होगी, पर ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा क्योंकि अमाउंट हमने डेबिट क्रेडिट सेम किए हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली। तो इस टाइप की एरर को भी ट्रायल बैलेंस रिवील नहीं कर पाता। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द दोज एरर्स, ट्रायल बैलेंस मिल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अकाउंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें गलतियां रह चुकी हैं। आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आराम से देखो, ये थ्योरेटिकल पहलू था, इसका प्रैक्टिकल पहलू नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पर बहुत डिटेल में, हर टाइप का प्रैक्टिकल होगा उसमें, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत सी ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पर हैं, आप उनको भी देखते रहिए। आपकी जानकारी के लिए माइसेल्फ विद अभिलाषी शर्मा यहाँ पर फिर से आएगा एक नए कंटेंट के साथ। अगर आज के क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो के उस हिस्से में जाकर दोबारा से देखें अगर क्लियर नहीं है। वन थिंग मोर, जब भी कॉन्टेंट को समझना तो कम्प्लीट वीडियो देखें, वरना कुछ मिस करने वाले हो। तो नई वीडियो का इंतजार करते रहें और बहुत सी वीडियोज़ देखें। थैंक यू वेरी मच।